हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का ब्लॉग मैं बता दूं कि आज का दिन भी पार हो चुका है कम्प्लीटली। 12 तारीख था, आज कम्प्लीट हो गया है। कल जो है हमारे घर में बहुत बड़ा दिन है, तो कल का दिन गलती से भी आप लोग मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कल है 13 तारीख, आज मेरा तारीख। तो अब आपको बता देते हैं कि वहाँ पे कुछ काम चल रहा है मम्मी का। इसको खींच रहा है, इस गुड़वा को ठोके में गुड़ में लग रहा है मेरा, फायदा भी नहीं है, पटिया में से निकल जाएगा। अच्छा, तो गाइस आप लोगों को ये इसका कहानी हम बता देते हैं। आज से लगभग 15 साल पहले ये चेयर को मम्मी अपने बहुत ज्यादा लड़ाई यानी कि पापा से बोल के कैसे भी करके लदवा के बस से लेके आई थी। तो इसको बोला गया था कि ये जो है चेयर, इसका नाम है बेत का चेयर है, बेत का चेयर। और ये जो है ये सड़ता गलता नहीं है, न सड़ता है, इसको इज्जत से नहीं रखा जाएगा तो सब टूट जाएगा। सो रहा है बेटा, तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप फिर इंसॉमनी काट रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि बैंगन कितना, जो बैंगन काट रहा है उसमें कीड़ा ही निकल जा रहा है। तो अब ना बनेगा, बैंगन नहीं बनेगा, अब दूसरा चीज बनेगा। सिखा रहा है प्रिंस को भी, अगर तबीयत खराब रह जाए कोई बात होगा तो बना के खाएगा ही। क्या कर रहा है गाइस, आप लोग भी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि किसको किसको बैगन अच्छा लगता है। देखिए ऐसे ही नचा रहा है, पतला काटो, हाथ मत काट लेना। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग को मेरे चैनल में स्वागत है। और आज 13 तारीख है, तो आज बहुत सारा काम भी है, हॉस्पिटल भी जाना है, तो लेके जाएंगे, देखते हैं उसको भी, और हम अपने लिए भी जाना है, तो डॉक्टर से राय लेंगे कि क्या है। और सुबह का टाइम है, 6 बज रहा है, तो इस समय उठ के फूल में पानी भी डला गया है और पानी डाले हैं, यहाँ बैठे हैं, सब प्लांट्स में पानी डाल दिए हैं। पानी डालना बहुत ज़रूरी है, सूख रहा था। रोज तो हम डाल देते थे, कल से आप डाल रहे हैं। हाँ, मेरी ड्यूटी शुरू हो गई है अब। मेरा चूंकि तबीयत खराब लग रहा है, चलने में भी चक्कर आ जा रहा है, तो ऐसे थोड़ा मोड़ा टहल ले रहा है, बैठे हैं अभी सब्जी काटने यहाँ पे, तो सोचे कि सब्जी काट दें, काट कर देखें जाए किचन में। अब थोड़ा ठंडा है तो इस समय जल्दी जल्दी कुछ जो खाना है वो बना दें और बना कर सर्द निकल जाएंगे। कल तो गाइस ऐसा हुआ था कि खाना भी नहीं बना मेरे घर, और हम लोग क्या है सुबह का था ना। हाँ, क्या क्या खाए सुबह का? सुबह में हम लोग रोटी खाए थे, सब्जी रोटी सर, रात में खाए लोग सुबह। हाँ, का हाँ। तो सुबह का ही खाना था, और प्रिंस हम लोग सब लोग वही खाना खाए, नहीं बनाने का मन कर रहा था, थोड़ा सा कम बेस था, तो वही मिला जुला के खा लिए लोग। बोल रहा था कि खाना ला देते हैं खरीद के, लेकिन हम लोग सोचे कि जो है सो उसी में खा लिया जाए, तो हम लोग खा लिए वही, और प्रिंस भी खा लिया, इनके पापा भी खा लिए। तो हम लोग घर में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर खाना है तो फेंक दो, दूसरा बना लो, दूसरा खा लो, तो तबीयत ठीक रहता है तो भी बन जाता है, लेकिन फेंकते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि उसको फ्राई करके या उसको कुछ करके खा लिया जाए ना, खाना को खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उसी भोजन के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और आदमी सुबह से शाम तक सब काम करता है कि दो वक्त का रोटी समय से मिल जाए, और खाना बर्बाद करने से, फेंकने से क्या फ़ायदा है। हाँ, अगर ख़राब है, खाने लायक नहीं है, तो उसको कभी खाना भी नहीं चाहिए, लेकिन अच्छा है तो खा लेना चाहिए। तो ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा कुछ हो जाता है तो उसको कदर करना चाहिए। और कभी कभी तो ऐसा समय आ जाता है कि सब कुछ रहते हुए खाना नहीं मिल पाता है हम लोग को, किसी को
अगर रोज दिन एक एक सामान बर्बाद करेंगे तो समय आने पर कभी उसका याद आता है कि हमारे यहाँ ऐसा था वैसा था ये था, तो हम इसी सोच समझ के हम अपना काम चलाते हैं। और बासी उन्हें बासी का सुबह का रहता है तो हम खुद बोल देते हैं कि भाई हमको दे दो लो हम खा लें, क्योंकि इस दौर से हम गुजरे हुए हैं तो हमको सब कुछ पता है कि किस तरह कमाया जाता है पैसा और एक एक धन को भी तोड़ के कैसे जोड़ के रखा जाता है। क्या आपके पास पैसा रहेगा तो? पैसा रहेगा तो हमेशा काम में आएगा, और पैसा मतलब इस समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पैसा सब कुछ है काम करने के लिए, अपने आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, बट पैसा बहुत कुछ है भी नहीं, इसलिए कि जब पैसा की ज़रूरत है तो पैसा चाहिए, लेकिन जब आदमी की ज़रूरत है तो उस वक्त आदमी परचेज करके नहीं आता है, उस समय आदमी की ज़रूरत होती है। इसलिए हर इंसान का कदर होना चाहिए और पैसा की भी अहमियत है। पैसा अगर भगवान दिया और आपने मेहनत किया तो उस पैसा का हिफाजत करना चाहिए। फिजूल खर्ची में विश्वास हम लोग नहीं रखते हैं। फिजूल खर्ची जो है, हाँ फिजूल खर्ची भी होता है, कभी कभी लगता है, जैसे शादी ब्याह के मौके पर होता है, कोई फंक्शन के मौके पर होता है, उसे भी लगता है कि चलो 10 रुपये खर्चा कर देते हैं तो मौका से हो जाता है, बट ऐसा नहीं करना है। उसमें भी सोचना है कि हमको कहाँ ज़रूरी है कहाँ नहीं ज़रूरी है। दुनिया तो आप पैसा खर्चा कीजिएगा तो दुनिया बाहवाही लूटेगी, ऐसे किया वैसे किया, बट पैसा का हिफाजत करना है और मेहनत करते रहना है, और मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना है। ईश्वर आपकी मेहनत को देखता है, और ट्रू लेबर इज नो गोज इन वैन, कभी भी सही मेहनत जो है व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए सही काम करना चाहिए और अपनी दिशा एकदम बिल्कुल सही रहना चाहिए, बड़ों का बात मानना चाहिए, और हम लोग मानते भी हैं। तो यही सब है, और सुबह का टाइम है, उठ के यहाँ बैठे हैं, थोड़ा हवा भी लग रहा है अच्छा, एसी और कूलर का हवा से बहुत बढ़िया है भगवान का हवा। तो हम लोग यहाँ पर सोचे कि थोड़ा देर बैठते हैं, थोड़ा धूप भी सुबह का लग जाएगा, तो इसके लिए भी ज़रूरत है, विटामिन डी का ज़रूरत होता है धूप से ना, तो सुबह का रेड वाला जो धूप होता है लेना ज़रूरी है। तो हम लोग क्या है कि आप लोग को भी बच्चे समझते हैं, इसलिए इसको हम बता रहे हैं कि अच्छे से रहना चाहिए और सबका प्यार दुलार लेना चाहिए। हमको तो चक्कर आ जा रहा है, पता ना बीपी ऊपर नीचे होने से, कल आप देखा था बीपी ना? हाँ बीपी बढ़ गया था, बीपी बढ़ने की वजह से बेचैनी भी हो गया और सुस्ती भी था और काफ़ी परेशानी में थी, लेकिन कुछ देर के बाद से आराम भी हो गया, जब शांत हो गई और सोने लगी तो बीपी खतरनाक भी है, बीपी को केयर करना चाहिए। और एक्चुअली होता क्या है ना कि इंसान बहुत सारी बातों को सोचने लगता है, तो खाली टाइम में आदमी सोचता है, कुछ काम करते रहने पर आदमी नहीं सोचता है, इसलिए ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, काम करने की ज़रूरत है और उसमें इंगेज रहने की ज़रूरत है। और हम तो ऐसा नहीं है कि बैठे रहते हैं, हमको अच्छा लगता है, शरीर सही रहता है तो कुछ ना कुछ हमको करना अच्छा लगता है। तो कल दिन भर भी कुछ कुछ किए हैं, कुछ गेस्ट लोग भी आए थे पूजा का, उसके जेठ जेठानी सब लोग आया हुआ था, तो उन लोग से भी मिले बात वत हुआ। और इस समय अब जा रहे हैं सब्जी काट के देंगे जा रहे हैं, देखें किचन में कुछ बनाने लगे तो बना दे जल्दी से, तब नहा धोवा के अच्छे से ब्लॉग आएगा आप लोगों को। कल ब्लॉग इसीलिए नहीं आया कि मेरा तबीयत ठीक नहीं था और एक ही ब्लॉग डलाया था, वो जैसे तैसे डाल दिए थे बना दिए थे, लेकिन आज जो है आज जा रहे हैं, फ्रेश होंगे खाना बना के, तब आप लोग से मिलेंगे। और आप लोग बने रहिए, आज हॉस्पिटल भी हम लोग को जाना है, तो देखते हैं क्या होता है आगे का सीन, तो वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को लेके चलते हैं आगे, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। सो गाइस, तो आज नहा धोवा के रेडी हो गए हैं और पूजा भी कर लिया है, मंगलवार है तो इसलिए आज जाना ही पड़ेगा। और किचन में कुछ कुछ खाना पीना का जो हुआ है, हमारा कलौजी बना है करेला का, तो किसको किसको अच्छा लगता है आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो फिर से मैं उसको पूरा रेसिपी आप लोग को बता देंगे कि कैसे कैसे बनाया जाता है। और बहुत लोग को आता भी है, बहुत लोग को नहीं आता है, तो जो नहीं आएगा जिसको वो आसान है, ज़्यादा तामझाम नहीं है और आराम से आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को लेकर चलते हैं आगे,
और देखते हैं कि आज क्या क्या हो रहा है। बना रहे ये करेला के कलौंजी, तो इसको पहले हम क्या किए थे कि छील लिए थे, थोड़ा सा चांस दिया है यहाँ से ये सब चांस के, और इसमें नमक और हल्दी और कागजी नींबू थोड़ा सा गाड़ दिए हैं कि इसका तीतापन ख़त्म हो जाएगा। ग्रीन वाला करेला था, और वाइट वाला रहता तो नहीं ऐसे करना पड़ता। उसके बाद इसको थोड़ा पानी में बॉयल कर दिए हैं, और यहाँ पर मसाला जो रेडी किया है तो इसमें है सरसों लहसुन धनिया जीरा मरीच सब मसाला है थोड़ा थोड़ा, और इसको इसमें पीस दिए हैं मिक्सी में, और इसको खूब लाल भूज दिए हैं मेथी का फोरन। तो इसको एक एक करके ऐसे मसाला जो है इसको हम इसमें बीज नहीं डाले हैं, कितने लोग बीज भर देते हैं तो हम नहीं भरे हैं इसमें, और इसको क्या करेंगे कि सब थोड़ा थोड़ा करके मसाला इसमें पूरा भर देंगे, फिल कर देंगे इसको। देखिए कैसे ये हो जाए, फिल डाल दिया है, सरसों का चढ़ भी गया है, तो आराम आराम से इसको करके ऐसे डाल देंगे।